ज़्यादा जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sansniwaldairyfarm.com, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम। आज एक बार फिर हम कुला गांव में हैं। यहां की पहले हमने वीडियो दिखाई थी एक जोटी की, और जोटी की जब हम वीडियो कवर कर रहे थे तो साथ साथ हमने देखा भाइयों के पास बहुत ही एंटीक चीज़, मैं कहूँगा एंटीक ट्रैक्टर हैं, काफ़ी पुराने भी काफ़ी नए भी। तो सोचा कि बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे ट्रैक्टरों की भी आती हैं, तो एक वीडियो जो भाइयों ने संभाल के रखे हैं, जो पुरानी चीज़ें जिनको आजकल हमारे जो नए युवा किसान भाई हैं वो छोड़ रहे हैं, लेकिन आप देखिए इस वीडियो में कितने पुराने पुराने ट्रैक्टर बहुत ही, मैं कहूँगा, ज़्यादा केयर की हुई है, संभाले हुए हैं। और एक बहुत ही, मैं कहूँगा, पहली बार हम देख रहे हैं कि इंडिया से जो ट्रैक्टर है वो मॉडिफाई होकर कनाडा जा रहा है, तो उसके बारे में भी भाई साहब से बात करेंगे। मैं सबसे पहले एड्रेस बताना चाहूँगा भाई साहब का, जो गांव है वो कुला है और तहसील टोहाना है, फतेहाबाद ज़िले में है, पंजाब इससे आगे शुरू हो जाता है, पंजाब के साथ लगता मैं कहूँगा ये एरिया है। और भाई साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। भाई साहब कितने ट्रैक्टर रखे हैं आपने लगभग? सर हाँ देख लो लेने हैं जी। हाँ, फिर भी टोटल कितने हैं? सर पांच ट्रैक्टर है। पांच ट्रैक्टर हैं। तो भाई साहब सबसे पहले तो मैं नाम जानना भूल गया, आपका नाम क्या है? सर प्रीतपाल सिंह। प्रीतपाल सिंह। तो भाई साहब ये जो मेसी ट्रैक्टर हमें दिखाई दे रहा है ये कौन सा मॉडल है और कितने साल हो गए लगभग? कौन सा मॉडल है सर ये? 71 मॉडल है। हाँ जी। तो भाई साहब ये इतने पुराने ट्रैक्टर संभाल के रखने का क्या रीजन है? बस सर उतने शौक है। अच्छा, तो खेती बाड़ी जमीन कितनी है भाई साहब अपने पास? 125 किलो की खेती करते हैं जी। 125 किलो की खेती करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैं कहूँगा ट्रैक्टर 1971 मॉडल, 71 मॉडल, जो कि आजकल मेरे ख्याल से आने ही बंद हो गए हैं, लेकिन जब ये चल के आ रहा था आवाज़ बहुत अच्छी है ट्रैक्टर की, जैसे बिल्कुल नए जैसा है। तो भाई साहब क्या वो रीजन नहीं बताया इतने पुराना जो व्हीकल आपने रखे हैं इनका? सर ये तो एंटीक चीज एक तरह दी। हाँ, हाँ, हाँ। वर्किंग हैगा पर बहुत घट काम लेने हैं तो सी। अच्छा। हाँ जी, तो वर्किंग है, सोकिया तौर पे ही रखे हैं? बिल्कुल सर। तो ये जो फोर्ड ट्रैक्टर की हम बात कर रहे थे कनाडा जा रहा है, इसका कनाडा क्यों भेज रहे हैं, क्या रीजन है? सर मेरे ब्रदर इन लॉ थे कनाडा रहंदे आ। हां हां, ये उन्होंने लिया सीगा, तां उन्हां दा कितना खानदानी ट्रैक्टर आ। अच्छा। उन्होंने सेल करता सीगा कदों कनाडा गए आ। हां हां। वापस लभिया कई अग्गे तो के सेल हो चुके सी, लभ के दोबारा तो मॉडिफाई कीता आ, हां कनाडा जा रिया ट्रैक्टर। तो कनाडा में भाई साहब वहां कोई खेतीबाड़ी का काम है, वैसे ही घर खड़ा करना है बस? नहीं सर, घरे खड़ा करना, उन्हां दा कितना स्टोर आ, स्टोर दे के कहंदे बस खड़ा कर देना। अच्छा, स्टोर है। तो भाई साहब क्या इसका जो खर्चा आ जाएगा कनाडा में भेजने का ट्रैक्टर को? सर ये बारे में डीपली नॉलेज नहीं इतनी। अच्छा, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटली कुछ सुनने में आया हुआ इतने खर्चे में कनाडा पहुंच जाएगा? सर उन्हां दा ना कि स्टोर आ, ओ ओदा भी इथों कंटेनर मंगाउंदे रहंदे आ। अच्छा अच्छा, इस करके। अच्छा, आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है जी? मैंने ठीक है ठीक है। तो ये कौन सा मॉडल है जी? फोर्ड 3610 80 मॉडल है। 80 मॉडल है, 80 मॉडल है, 80 मॉडल, 1980 मॉडल 3610। देखिए मॉडिफाई किया वह है भाई ने, छत जो आजकल चल रही है रूटीन में वो छत लगाई है, और पीछे स्पीकर देखिए बहुत ही शानदार। ये जो मैं शौक की बात कर रहा हूँ, सरदारों के शौक हैं, और बहुत बढ़िया, इतनी लंबी चौड़ी खेती बाड़ी का जिसको काम है वही इतने लंबे चौड़े शौक पाल सकता है। हाँ जी हाँ जी, बताइए। ये ट्रैक्टर नाल ट्राली हुण असी बाणी दित्ती हुई है, कल्ला ट्रैक्टर नहीं जाऊगा, नाल ट्राली भी जाऊगी। अच्छा, ट्राली फिर कैसी ट्राली है जी? वो ट्राली नॉर्मल ट्रालियां गड़ियां होंदियां हैं। अच्छा अच्छा, उसे नगर कीर्तन दे विच लाया करना, ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਟਰਾਲੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਚਾਹੂਗੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਲਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਸੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜੋਨਡੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਨ ਸਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਸਰ? 5310। 5310, ਔਰ ਕੌਨ ਸੇ ਇਸਕਾ ਮਾਡਲ ਕੌਨ ਸੇ ਸਾਲ ਮੇ ਲਿਆ ਥਾ? 2010 ਮਾਡਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਸੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਔਰ ਬੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋਨਡੀਅਰ 50-60, ये कौन से साल में लिया था भाई साहब? सर ये हुनी लिया है। अच्छा, ये अभी लिया है जी। तो बहुत ही बढ़िया, देखिए जॉन डियर के भी दो ट्रैक्टर रखे हैं भाई साहब ने, और सबसे मैं कहूँगा एंटीक मेसी, बिल्कुल छोटा सा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया, और 3610 फोर्ड, बहुत ही शानदार। इससे आगे देखिए जीप रखी है भाई साहब ने, और ये जीप, ये कौन सा मॉडल है भाई साहब? 2000 मॉडल है। इसको भी मॉडिफाई करवाया फिर बाद में? जी, पहले नॉर्मल महिंद्रा दी जीप सी, केड़ी हो गई है तो हुण मॉडिफाई करवाई है दोबारा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये
ये महिंद्रा की जीप, और इससे आगे फिर आप देखेंगे फार्म ट्रैक, साथ ट्रैक्टर। ये कौन सा मॉडल है भाई साहब? ये सर 97 मॉडल है। 97 मॉडल है जी। तो भाई साहब इतने जो आप ट्रैक्टर 125 एकड़ में लगभग 4-5 ट्रैक्टर हो गए, तो ये सभी यूज हो जाते हैं बस? 100 की सभी सारे तो यूज नहीं होते होंगे? नहीं, यूज हो ही जाते हैं। हाँ हाँ, थोड़े बहुत यूज होते रहते हैं। बिल्कुल घट यूज करीदा है। अच्छा, सिर्फ कितना खाद पाई दी मशीन हैगी है ओदे लिए यूज करदे ओदा नहीं। ठीक है ठीक है, तो बस घर पे सो गया तौर पे रखे हैं जी सर। चाहे काम तो दो ट्रैक्टरों से भी चल जाएगा शायद है जी सर। जी सर, ठीक है ठीक है। और इसके साथ ही एक और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए HP लिखवा के भाई साहब ने तैयार किया है तेल का जो है। कितने ड्राम तेल आ जाते हैं भाई साहब इसमें? सर ये 23 ड्राम आ जाते हैं। 23-23 ड्राम आ जाते हैं जी सर। ठीक है ठीक है। एक बार ही ले आके भर दीदा है। हाँ, नोजल लगी हुई है अपने हाँ, आप ही। तो एक बार में कैसे भरते हैं? वहीं से बड़ा वो आ जाता है क्या गाड़ी? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਿਖੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਵਰ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹਾ ਹਾਂ 23 ਡਰਮ ਇਸਮੇ ਡਾਲਤੇ ਹੋ ਆਪ, ਤੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਮੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ? ਵਹਾਂ ਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੇ ਆਪ ਟਰੱਕ ਮੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਟਰੱਕ ਆਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਲ ਕਾ ਟੈਂਕਰ ਆਤਾ ਹੈ ਬੜਾ, ਵਹੀ ਡਾਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ ਡਰਮੋ ਮੇ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ? ਡਰਮ ਮੇ ਸਰ ਵੱਡਾ ਟੈਂਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੱਡਾ ਟੈਂਕਰ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਹੈ ਵਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਰੋ ਤੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਂਟੀਕ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਨਕੋ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸਾਥ ਲਗਤਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਯੇ ਚੀਜ਼ੇ ਹਮੇ ਯੇ ਟਰੈਕਟਰ ਯੇ ਜੋ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਯੇ ਦੇਖਨੇ ਕੋ ਮਿਲਤਾ ਹੈ। ਬਤਾਨਾ ਭਾਈਓ, ਆਜ ਕੀ ਹਮਾਰੀ ਯੇ ਕਵਰੇਜ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਬੈਂਸੋ ਸੇ ਅਲਗ, ਗਾਏ ਸੇ ਅਲਗ ਕੈਸੀ ਲਗੀ? ਸਭੀ ਭਾਈਓ ਕਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭੀ ਕੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਨਮਸਕਾਰ।